नमस्ते राधे राधे। हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के लेक्चर्स प्रोवाइड कर रही हूँ जूलॉजी के और बॉटनी के। तो जूलॉजी में हम पढ़ रहे हैं पेपर फर्स्ट नॉन कॉर्डेट एंड इकोनॉमिक जूलॉजी। नॉन कॉर्डेट में हमने मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या कर लिया है कि कवर कर लिया है, ठीक है। अब मैंने सोचा कि जो आपका सेकेंड पार्ट है जिसमें आपको इकोनॉमिक जूलॉजी के बारे में पढ़ना है, क्यों ना उसके पार्ट को शुरू किया जाए, जिसमें मैंने ऑलरेडी आपको प्लेलिस्ट में इकोनॉमिक जूलॉजी के नाम से सेरीकल्चर जो है, इसमें सेरीकल्चर, एपीकल्चर, लैक कल्चर, वर्मी कल्चर, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है बेसिकली कि किस तरीके से कल्चर किया जाता है जो एनिमल्स हैं उनको, ठीक है। तो इकोनॉमिक जूलॉजी में हम आप इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस को पढ़ते हैं किसी एनिमल के, कि किस तरीके से वो इकोनॉमिकली मतलब अर्थव्यवस्था के रूप में हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसी में हम आज शुरू करने वाले हैं एपिकल्चर, ठीक है। सेरीकल्चर का मैंने आपको ऑलरेडी इकोनॉमिक जूलॉजी के नाम से प्लेलिस्ट है उसमें सेरीकल्चर मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। एपिकल्चर में बेसिकली हम लोगों को पढ़ना होता है हनी बी यानी कि मधुमक्खी के बारे में। एपिस उसका नाम ही है, एपिस इंडिका या एपिस कई सारे उसकी स्पीसीज, हमी स्पीसीज के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो जनरली हमें किसके बारे में पढ़ना होता है, हनी के बारे में। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार किसी लेक्चर को देख रहे हैं, इस लेक्चर को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और कोई भी प्रॉब्लम होती है, आपको नोट्स चाहिए, तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिकल्चर की बात की जाए तो एपी का मतलब ही होता है एपिस, ठीक है। एपिस से रिलेटेड है, एपिस मीन्स होता है आपकी एपिस यानी कि हनी बी, ठीक है। क्या? हनी बी, ठीक है। हनी बी यानी कि मधुमक्खी, ठीक है। उसका कल्चर अगर किया जाए, उसको कल्चर किया जाए, उसका प्रिपरेशन किया जाए, किस तरीके से उसके जो बी वैक्स निकलता है, हनी निकलती है, मधु निकलता है, तो उस सारी चीज़ों को कैसे कल्चर किया जाता है, कैसे इनमें लाइफ हिस्ट्री इनकी कैसी होती है, मतलब टोटल आपको एक हनी बी के बारे में सब चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। तो इसके बारे में पहली बात बताया जॉन ओजियर, जैन ओजियर जॉन जो है एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था, ठीक है। बात की जाए अगर इसको, तो ये जो है मेंबर इंसेक्टा और फाइलम की बात की जाए, ठीक है। फाइलम ऑर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है। कौन से फाइलम से? ऑर्थोपोडा से, ठीक है। ऑर्थोपोडा अभी तो मैंने आपको पढ़ाया नहीं है। ऑर्थोपोडा में आपके एक क्लास आता है इंसेक्टा, ठीक है, एरेक्निलिडा, कई सारे क्लास आते हैं। तो ये आपके क्लास ऑर्थोपोडा, फाइलम ऑर्थोपोडा के क्लास इंसेक्टा से क्या होता है, बिलोंग करता है, ठीक है। हनी के जो है उसको जो कल्चर है उसको प्रैक्टिस करना कि उससे हनी को निकालना और सारी चीज़ें उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों पे वर्क करना ही क्या कहलाता है, एपिकल्चर कहलाता है। सोर्स ऑफ हनी, तो हनी का सोर्स क्या होता है, कहाँ से हनी मिलता है, मधुमक्खी जो है जो हनी है वो हनी बी कहाँ से इकट्ठा करती है, तो दैट इज़ फ्लावर। कहाँ से? फ्लावर से, फूलों से, फूलों के नेक्टर जो होते हैं वहाँ से क्या करती है, आप देखते हैं मधुमक्खी के जो है आसपास फूलों के मंडराती है और वहाँ से क्या करती है, रस को इकट्ठा करती है और अपने छत्ते में ले जाती है। मेनली चार स्पीसीज इंडिया में पाई जाती हैं हनी की, ठीक है। फोर स्पीसीज मेनली पाई जाती है हनी की, जिसमें कुछ कॉमन है जैसे कि एपिस डॉर्साटा, एपिस इंडिका और कई सारी स्पीसीज हैं। एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली स्पीसीज की अगर बात की जाए तो सबसे पहला स्पीसीज में आपका आता है एपिस डॉर्साटा, ठीक है। एपिस डॉर्साटा जिसको कि रॉक बी कहते हैं, ठीक है, रॉक बी, ठीक है। ये एक वाइल्ड वैरायटी है, वाइल्ड वैरायटी मतलब जंगलों में पाए जाने वाली हनी बी की वाइल्ड वैरायटी है। ये साइज में काफ़ी बड़े होते हैं, इस वजह से इनको क्या कहा जाता है, जाइंट हनी बी कहा जाता है, ठीक है, जाइंट हनी बी कहा जाता है। बीज ऑफ देयर वैरायटी बिल्ड लार्ज सिंगल कॉम्ब एट रॉक, ये क्या करते हैं, जो रॉक होते हैं यानी कि पहाड़ के चट्टान जो होते हैं, ठीक है, वहाँ पर एक सिंबल कॉम्ब, कॉम्ब का मतलब जानते हैं इनके छत्ते को, हाई बी जो हनी का छत्ता होता है, हाई बी या कॉम्ब बोला जाता है, एक सिंगल इस तरीके से चट्टान रहेगा उससे लटकता हुआ एक लंबा सा, इस तरीके से आप सबने हनी बी का छत्ता देखा होगा, ठीक है, उसका कॉम्ब देखा होगा, हाइव देखा होगा। सिंगल क्या बनाते हैं, लार्ज ट्रीज पे या रॉक पे बनाते हैं, ठीक है। मैक्सिमम इससे 25 केजी तक हनी आप क्या कर सकते हैं, एक कॉम्ब से जो एक छत्ता बनता है उससे आप मैक्सिमम 25 केजी यानी कि 25 किलो तक क्या कर सकते हैं, हनी ऑब्टेन कर सकते हैं। बट दे कुड नॉट डोमेस्टिकेटेड बिकॉज ऑफ देयर फॉरेसियस एंड इरिटेबल नेचर एंड माइग्रेटरी हैबिटेट। इसका मतलब क्या है,
कि इनको आप कल्चर नहीं कर सकते। जैसे और सारी स्पीसीज को आप अभी देखेंगे तो उनको कल्चर कर सकते हैं, यानी कि आर्टिफिशियल तरीके से भी उनको क्या कर सकते हैं, छत्ते बना सकते हैं। अभी मेथड्स आप पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में, आप इसके मेथड्स वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे, तो उस मेथड्स में आप देखेंगे मूवेबल मेथड्स होता है, कई सारे मेथड से क्या करते हैं आप इनके कॉम्ब को बनाते हैं और हनी को एक्सट्रैक्ट करते हैं या निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आप इसको डोमेस्टिकेट का मतलब होता है पाल नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि ये क्या होते हैं, पहली बात तो वाइल्ड है, वाइल्ड होने की वजह से ये काफ़ी क्या होते हैं, इरिटेबल नेचर के होते हैं, फॉरेसियस नेचर के होते हैं, यानी कि घातक होते हैं थोड़े, आप एक तरीके से कह सकते हैं फेटल होते हैं, ठीक है, तो आप इनको पाल नहीं सकते हैं। दूसरी स्पीसीज आपकी आती है एपिस इंडिका। अब नाम से ही पता चल गया होगा इंडिका, यानी कि ऐसी स्पीसीज की बात की जा रही है जो इंडिया में पाए जाते हों, ठीक है, इंडियन बी भी कहा जाता है, ठीक है, जनरली ये फॉरेस्ट वगैरह में पाए जाते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, प्लेन रीजन्स जो होते हैं थ्रू आउट इंडिया, इट कैन बी इजिली डोमेस्टिकेटेड। इसको अब देखिए, ऊपर जो डॉर्साटा स्पीसीज आपने पढ़ा एपिस डॉर्साटा, उसको आप डोमेस्टिकेट नहीं कर सकते थे, उसको आप पाल नहीं सकते थे, लेकिन इसको क्या कर सकते हैं, आप डोमेस्टिकेट कर सकते हैं, क्योंकि ये जेंटल नेचर के होते हैं, उनकी तरह फोरेसियस नेचर के नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन हनी इनसे आप बहुत कम ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे अब वहाँ एपिस डॉर्साटा से आप 25 केजी तक हनी को क्या कर सकते थे, उनके कॉम्ब से ऑब्टेन कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 से 4 केजी ही हनी आप क्या करते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आती है स्पीसीज एपिस फ्लोरिया। एपिस फ्लोरिया की बात की जाए तो ये क्या होते हैं, ये कॉमन होते हैं, स्मॉलेस्ट साइज के होते हैं, लिटिल भी इन्हें कहा जाता है, ये बहुत ही छोटे स्पीसीज होते हैं, या इनकी यील्डिंग कैपेसिटी 250 ग्राम, इससे ज़्यादा ये क्या करते हैं, नहीं दे पाते हैं, ठीक है, और इनको क्या कहते हैं, डोमेस्टिकेट भी आप कर सकते हैं, यानी कि पाल भी सकते हैं, ठीक है। एपिस मेलिफेरा यूरोपियन बी इनको कहा जाता है, इक्वल होते हैं इंडियन बी के समान, इनको भी कल्चर कर सकते हैं, इजी होते हैं क्योंकि इनका भी नेचर कैसा होता है, डूसाइल होता है, और ये इनको पाल सकते हैं डोमेस्टिकेशन। अब सोशल ऑर्गेनाइजेशन, एक बहुत अच्छी चीज़ है कि जो हनी होता है, ठीक है, उसमें सोशल ऑर्गेनाइजेशन या लेबर डिवीज़न पाया जाता है। लेबर डिवीज़न मतलब हर इंसान का आप काम बांट दीजिए, ठीक है, जैसे लेबर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, काम करते हैं, उनका काम क्या होता है, डिवाइडेड होता है कि आपको ये काम करना, आपको ये काम करना, आपको ये काम करना, तो वैसे ही हनी का एक बहुत अच्छा कैरेक्टर है कि इनमें लेबर डिवीज़न पाया जाता है। 3 डिवीज़न इनको क्वीन, वर्कर एंड ड्रोन में डिवाइड किया गया, ठीक है, आगे आप पढ़ेंगे इस चीज़ को, तो इस डिवीज़न की वजह से इनमें क्या होता है कि काम डिवाइडेड होता है, यहाँ पे इनमें फाइट नहीं होता कि आप ये करेंगे, आप ये करेंगे, आपने ये नहीं किया, यहाँ पे इनका काम डिसाइडेड है, आपको यही करना है तो आप यही करेंगे, ठीक है। उसके लिए भी इनकी फीडिंग हैबिट होती है, ये खाना खा के रॉयल जेली जो खाती है क्वीन बनती है, आगे आप पढ़ेंगे इन सब चीज़ों को, ठीक है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए हनी बी की, तो हाईली ऑर्गेनाइज्ड डिवीजन ऑफ लेबर इनमें पाया जाता है, ठीक है, कॉलोनी में हनी बी पाए जाते हैं, इनकी 3 कॉलोनी पाई जाती है, 3 काइंड की, ठीक है। सबसे पहले आती है क्वीन, क्वीन की बात की जाए तो ये फर्टाइल फीमेल है, यानी कि जो फीमेल फर्टिलाइजेशन करती है, फर्टिलाइजेशन करके फिर आगे बच्चों को जन्म देती है, इसको क्या कहा जाता है, फर्टिलाइज्ड फीमेल कहा जाता है, और वो क्या होती है, क्वीन होती है। उसके बाद आती है आपकी वर्कर्स, जो कि क्या होते हैं, स्टराइल फीमेल, फीमेल तो होती हैं लेकिन स्टराइल, स्टराइल को हिंदी में आप बांझ कह सकते हैं, वर्ड जो यूज़ होता है, इसका मतलब ऐसा होता है, स्टराइल जो फर्टिलाइजेशन नॉट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइज नहीं करेंगी, यानी कि बच्चों को ये जन्म नहीं देंगी, ठीक है, केवल और केवल वर्क करेंगी, इसलिए इनका नाम ही क्या है, वर्कर्स है। नेक्स्ट आते हैं ड्रोन्स, जो कि क्या होते हैं, फर्टाइल मेल होते हैं, जैसे फर्टाइल फीमेल क्वीन है उसी तरीके से फर्टाइल मेल ड्रोन होते हैं, ठीक है। नॉर्मल कॉलोनी जो है, 1 एडल्ट क्वीन पाई जाती है, एक नॉर्मल कॉलोनी, छत्ता भी मैं आपको दिखाऊंगी इस तरीके से पाए जाते हैं, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, तो ये जो छत्ता है, ठीक है, नॉर्मली इसमें क्या होते हैं, 100 ड्रोन्स, 100 ड्रोन्स पाए जाते हैं, एक क्वीन हर छत्ते में, केवल और केवल 1 क्वीन पाई जाएगी, यहाँ से आप क्वेश्चन बनते हैं, तो हर छत्ते में केवल और केवल क्या पाई जाएगी, एक ही क्वीन पाई जाएगी, ठीक है। अब क्वीन और उसमें वर्कर्स, 6,000 वर्कर्स पाए जाते हैं, ड्रोन एंड क्वींस आर कंसर्न्ड विथ रिप्रोडक्शन। अब इनमें रिप्रोडक्शन का काम कौन करता है, ड्रोन और क्वीन, क्योंकि दोनों क्या हैं, फर्टाइल हैं, हेंस द वर्कर परफॉर्म्स
ऑल अदर ड्यूटीज, बाकी सारी ड्यूटीज का काम क्या करते हैं, वर्कर्स जो होती हैं वो सारे काम करती हैं। और इनमें क्वीन और जो ड्रोन होते हैं वो केवल और केवल क्या काम करते हैं, रिप्रोडक्शन का काम करते हैं। सच एज अ प्रोड्यूसिंग रॉयल जेली फॉर फीडिंग द कम्युनिटी, प्रोड्यूसिंग वैक्स, बिल्डिंग हाइव्स, रियरिंग द लार्वा एंड वेंटिलेशन ऑफ हाइव, डिस्पोजिंग डिब्रिस एंड डेड डिब्रिस, ये सारे काम, जैसे कि हाइव को यानी कि जो छत्ता है उसको क्लीन करना, लार्वा को फीड कराना, वैक्स को प्रोड्यूस करना, वेंटिलेशन प्रोवाइड करना, जो डेब्रिस यानी कि कोई मधुमक्खी मर गई तो कूड़ा हो गया उसको साफ करना, सारी चीज़ों को करने का काम कौन करता है, वर्कर करता है। अब हम जानेंगे क्वीन के बारे में थोड़ा सा। तो वर्क ऑफ क्वीन क्या होता है, ये केवल और केवल अंडे देने का काम करती है 2 to 5 ईयर तक, ठीक है, और 1500 से 2000 तक अंडे एक दिन में ये देती है, और 1500000 एग अपनी पूरे लाइफ में ये देती है, ठीक है। ये दो टाइप के अंडे देती है, वो अंडे कौन से हैं, पहला होता है आपका फर्टिलाइज्ड एग जो डेवलप होता है क्वीन में और वर्कर बी में, ठीक है। पहला होता है फर्टिलाइज्ड एग जो किसमें डेवलप होता है, क्वीन में और वर्कर्स में, ठीक है, क्वीन और वर्कर्स में। दूसरा होता है अनफर्टिलाइज्ड एग जो कि किसमें डेवलप होता है, मेल में, ठीक है। फर्टिलाइज्ड एग क्वीन और वर्कर बी में, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप होता है मेल। क्वीन की बात की जाए तो ये फर्टिलाइज्ड एग या लार्वा स्पेशली जो रॉयल जेली होता है, रॉयल जेली नाम के जेली सबस्टांस पे ये फीड करते हैं, तो जो फीमेल, ठीक है, जो फीमेल रॉयल जेली पे फीड करेगी जो कि किसका मिक्सचर होता है, हनी और पॉलन ग्रेन का, वो फीमेल आगे जाके क्या बनती है, क्वीन बनती है। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि आप क्वीन को कैसे पहचानेंगे, ठीक है। फिर आते हैं आपके वर्कर्स, ठीक है, वर्कर्स आते हैं जिसमें आपके बात की जाए तो वर्कर्स में आपके क्या होता है, वर्कर्स की अगर बात की जाए तो ये क्या होते हैं, स्टराइल फीमेल होते हैं, ये बात मैंने आपको बताई, स्मॉलर होते हैं साइज में, कलेक्ट करते हैं पॉलन ग्रेन को और रियरिंग मतलब फूड को लाने का काम द क्वीन। सम वर्कर प्रोड्यूस वैक्स, कुछ वर्कर्स क्या करते हैं, वैक्स को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। बी कॉम्ब, दीज वर्कर्स आर नोन एज बिल्डर बी, ठीक है, और कुछ क्या करते हैं, कॉम्ब को बनाने का काम, छत्ते को बनाने का काम करते हैं, उनको बिल्डर बी कहा जाता है। कुछ वर्कर क्या होते हैं, हाइव के अंदर पाए जाते हैं, इनको इंडोर वर्कर्स कहा जाता है, ठीक है। दीज आर द बिल्डर्स, रिपेयर्स एंड क्लीनर्स, ये क्या होते हैं, बिल्डिंग का काम करते हैं, रिपेयरिंग का काम करते हैं, क्लीनिंग का काम करते हैं हाइव के अंदर, ऐसे को क्या कहा जाता है, इंडोर वर्कर्स। और दीज आर द बिल्डर्स मैन्युफैक्चर्स वैक्स एंड बिल्ड द न्यू कॉम्ब, ये बिल्डर्स जो होते हैं क्या करते हैं, वैक्स को बनाने का काम करते हैं, जो वैक्स निकलता है मोमबत्ती वगैरह जिससे बनती है, ठीक है, उसको बनाने का काम करते हैं और कॉम्ब को बनाने का काम करते हैं। द रिपेयरर्स रिपेयर एंड स्मॉल सर्विसेज इन द हाइव, ठीक है, रिपेयरर्स क्या करते हैं, उसको रिपेयर करने का काम करते हैं और जो वेस्टेज मटेरियल होता है उसको रिमूव करने का काम करते हैं, डेड बॉडीज वगैरह जैसे बीज की हो गई, ठीक है, उसको रिमूव करने का काम करते हैं। स्टोर कीपर क्या करते हैं, रिसीव करते हैं नेक्टर को, पॉलन को, वाटर को आउटडोर वर्कर से, जो बाहर के काम करने वाले वर्कर हैं यानी कि वर्कर बीज हैं, उनसे क्या करेंगे, स्टोर करेंगे और उसको प्रॉपरली हाइव में लाएंगे और क्या करेंगे, फूड बनाने का काम करते हैं। द गार्ड बी गार्ड द कॉलोनी फ्रॉम द आउटसाइडर्स, और कुछ गार्ड्स बी भी पाए जाती हैं, मान लीजिए कोई अनदर स्पीसीज है, ठीक है, जो कि इनको हार्म करना चाहती है, उससे बचाने के लिए गार्ड्स भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट पाए जाते हैं आपके ड्रोन्स। ड्रोन्स की अगर बात की जाए तो ड्रोन्स क्या होते हैं, फर्टाइल मेल होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ड्रोन्स क्या होते हैं, तो फर्टाइल मेल होते हैं, फर्टाइल क्वीन होती हैं। द ड्रोन इज नोन एज द किंग ऑफ द कॉलोनी, इनको किंग ऑफ कॉलोनी कहा जाता है। 100 ड्रोन्स एक कॉलोनी में पाए जाते हैं और ये अनफर्टिलाइज्ड एग से डेवलप होते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। लाइफ हिस्ट्री की बात की जाए, ठीक है, तो इनमें क्या होता है, कैसे ये कॉपुलेशन करते हैं, कैसे ये रिप्रोडक्शन करते हैं, तो इनमें नॉपचियल फ्लाइट होता है। नॉपचियल फ्लाइट क्या होता है, इसको मैं एक ऐसे बताती हूँ कि एक हनी बीज, एक जो क्वीन होती है, ठीक है, एक क्वीन हवा में क्या करेगी, राउंड राउंड करते हुए ऊपर की तरफ जाएगी और उसके पीछे 100 ड्रोन जो रहेंगे, ठीक है, वो उसके पीछे जाएंगे और तब तक उसका पीछा करेंगे जब तक कि लास्ट में एक ड्रोन नहीं बच जाता है क्वीन के साथ। जो ड्रोन ऊपर उड़ते 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 तक एक ड्रोन बचेगा, वही क्या करता है, फर्टिलाइज करता है,
उसी का जो स्पर्मथीका है वो क्या होता है फीमेल में क्या होता है इजेक्ट होता है, इजेक्ट होने के बाद फर्टिलाइजेशन होता है और उसके बाद वो क्या होता है डेड हो जाता है। तो इनमें इस तरीके से इस फ्लाइट को कहा जाता है नपचियल फ्लाइट। ठीक है, नपचियल का मतलब होता है कि अपनी वधु या जिसको कह सकते हैं वाइफ के लिए क्या करना, फाइट करना। ठीक है, तो 100 ड्रोन एक क्वीन के पीछे दौड़ लगाएंगे, लास्ट में जो जाके बचेगा एक ड्रोन वही फर्टिलाइजेशन का काम करता है। ठीक है, यहाँ पे यही बात कही गई है कि एक वीक के बाद इमरजेंस के बाद न्यू क्वीन मेक हर, लाइफ हिस्ट्री मैं आपको दिखाती हूँ, फर्स्ट एरियल फ्लाइट स्वार्म के दौरान और उसके पीछे क्या करते हैं हाई सारे ड्रोन क्या होंगे उड़ेंगे और क्या करेंगे हवा में उस क्वीन के पास जाएंगे। ठीक है, एक जो बचेगा वही क्या करेगा अपना स्पर्मेटोफोर क्या करेगा ड्रोन में ड्रोन इजेक्ट करेगा किसमें फीमेल में। ठीक है, स्पर्मेथीका उसका क्या होगा उसमें रिलीज होगा। ठीक है, और लाइफ में क्वीन क्या करती है उसका जेनाइटल पॉड्स होता है ड्रोन आर फोर्स्ड विथ सच एज अ प्रेशर दैट इट डाइज आफ्टर मेटिंग। इतना ज़्यादा फोर्स लग जाता है उसके जेनाइटल पार्ट पे कि वो क्या होता है फट जाता है और ड्रोन क्या हो जाता है मर जाता है, वही बात यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, द पेयर फॉल इन द ग्राउंड आफ्टर मेटिंग, वो दोनों क्वीन और ड्रोन नीचे गिर जाएंगे, फीमेल आर सेपरेटेड फ्रॉम द मेल, फीमेल मेल से सेपरेट हो जाएगी और अपने हाइव में यानी कि छत्ते में रिटर्न चली जाएगी और फिर आगे क्या करेगी बच्चों को जन्म देके उनके बच्चे ग्रो करेंगे। इस तरीके से इनकी लाइफ साइकिल कुछ पाई जाती है, लाइफ साइकिल आगे पढ़ाऊंगी मैं। ये देख सकते हैं लाइफ साइकिल में ये आपके एग पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्या है एग है, ये आपका लार्वा है। ठीक है, लार्वा, ये लार्वा डेवलप हो रहा है और इस तरीके से ये मेल में क्या होता है डेवलप हो जाता है। आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं ऐसे हाफ हाफ करके। ठीक है, इस तरीके से इनकी लाइफ हिस्ट्री पाई जाती है। ठीक है, एग और एग लेइंग होता है। ठीक है, स्टार्ट हो जाता है 3 से 4 दिन में कॉपुलेशन के बाद। फर्टिलाइज्ड एग क्या होते हैं, दे डेवलप क्वीन एंड वर्कर्स एंड आर लेड इनटू सेपरेट चैम्बर्स। ठीक है, क्वीन और वर्कर में डेवलप होंगे और अलग अलग चैम्बर, सबका अलग अलग चैम्बर। अभी मैं छत्ता आपको दिखाऊंगी, छत्ता कुछ इस तरीके से दिखता है, देख सकते हैं चैम्बर वाइज इस तरीके से अलग अलग चैम्बर है और हर चैम्बर में ये देख सकते हैं वर्कर सेल, क्वीन सेल, ड्रोन सेल, पॉलन के लिए सेल, इस तरीके से अलग अलग चैम्बर पाया जाएगा। ठीक है, अलग अलग चैम्बर में सारी चीज़ें डेवलप होंगी। ठीक, दो तरीके के एग प्रोड्यूस करेगी, अनफर्टिलाइज्ड एग ये मेल को डेवलप करता है जिनको कि ड्रोन्स कहा जाता है, इलांगेटेड होते हैं, पिंकिश कलर के होते हैं और बॉटम से क्या होते हैं अटैच होते हैं, सेल जो पाई जाती है सेल यानी कि एक इस टाइप का सेल, इस सेल की बात की जा रही है जो हाइव यानी कि कॉम्ब यानी कि छत्ते में पाई जाती है उसमें। ठीक है, अब इनकी डेवलपमेंट कैसे होता है, कास्ट सिस्टम, कास्ट यानी कि जात सिस्टम, इनको डिवाइड किया गया है वर्कर्स, ड्रोन्स और क्वींस। ठीक है, तो फेवरेबल कंडीशन में एग क्या होता है हैच होता है विद इन 3 डेज, 3 दिन के अंदर। स्मॉल द लार्वा इज स्मॉल विदाउट लिम्ब्स एंड आईज, इट इज़ नोन एज ग्रब। ठीक है, जो लार्वा होता है वो विदाउट लिम्ब यानी कि पैर वैर वगैरह उसमें डेवलप नहीं हुए हैं, आईज वगैरह उतनी डेवलप नहीं हुई, छोटा सा है, तो उसको क्या बोला जाता है ग्रब बोला जाता है। ठीक है, उस स्टेज को क्या बोला जाता है ग्रब बोला जाता है। अब लार्वा क्या करेगा फेड करेगा यानी कि खाएगा। ठीक है, द वर्कर्स द ड्रोन्स डेवलप्ड फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग, ये दोनों अनफर्टिलाइज्ड एग से डेवलप होंगी। फॉर्मेशन ऑफ क्वीन एंड वर्कर डिपेंड अपॉन क्वालिटी ऑफ द फूड प्रोवाइडेड बाय द लार्वा। ठीक है, अब जो इनको जिस क्वालिटी का फूड, फूड की क्वालिटी पे डेवलप करेगा कि जिस क्वालिटी का फूड इनको प्रोवाइड किया जाएगा उस हिसाब से ये डेवलप होंगी। फर्स्ट 2 डेज में क्या होते हैं ऑल द ग्रुप्स आर फेड अपॉन रॉयल जेली, सारे ग्रुप किस पे फेड करते हैं रॉयल जेली पे कंपोज बाई हनी एंड पॉलन। ठीक है, आफ्टर 2 डेज द ग्रब डेवलप्स इंटू क्वीन, जो रॉयल जेली पे फीड करेगी वो किस में डेवलप हो जाएगी ग्रब क्वीन में, जबकि अदर जो है रिसीव करेंगे इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ हनी डेवलप हो जाएंगे वर्कर्स में, जो ज़्यादा फूड खाएंगे हनी खाएंगे वो किस में डेवलप हो जाएंगे वर्कर में। ठीक है, ड्रोन ग्रुप किस पे फीड करते हैं ये भी हनी पे फीड करते हैं। ठीक है, ग्रब जो ग्रुप है उसमें क्या होगा ग्रुप सेवरल मोल्टिंग यानी कि इस तरीके से उसमें और मोल्टिंग होगी सेवरल टाइम्स, 9th डे ईच सेल कंटेनिंग अ ग्रुप ऑफ इज सील्ड विथ वैक्स कप एंड अ लार्वा चेंज इनटू प्यूपा। अब लार्वा क्या होगा जो ग्रब है वो किसमें चेंज हो जाएगा प्यूपा में, प्यूपा इनसाइड क्लोज चैम्बर के अंदर क्या होगा डेवलप होगा और ये क्या करेगा थिक सिलिकॉन कोकून का फॉर्मेशन करेगा अपने चारों ओर, उसके बाद इसमें मेटामॉर्फोसिस होगा और ये एडल्ट में क्या होगा चेंज हो जाएगा सेल कप में। ठीक है, द टाइम पीरियड ऑफ प्यूपा वेरीज फ्रॉम ईच कास्ट। ठीक है,
जो इनके चेंज होने का टाइम है हर कास्ट में, यानी कि वर्कर ड्रोन और जो है वर्कर ड्रोन और क्वीन में, वो अलग अलग होगा। ठीक है, क्वीन जो है 13 डेज में हैच कर जाती है, वर्कर को 18 डेज लगते हैं और ड्रोन को 21 डेज लगते हैं विंटर सीजन में। ठीक है, एंड ओनली द क्वीन एंड वर्कर्स लाइव, केवल क्वीन और वर्कर्स बचते हैं, ड्रोन तो वैसे भी मर जाएंगे जब नपचियल फ्लाइट होता है उसके दौरान। ठीक है, नपचियल फ्लाइट के दौरान या हंगर की वजह से, कोल्ड या हंगर की वजह से मर जाते हैं, क्योंकि इनको छत्ती से बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, इनकी ज़रूरत होती नहीं है, बस इनकी ज़रूरत मेटिंग के लिए होती है। अब हम बात करेंगे इसके छत्ते की बात, हाइव कॉम्ब या जिसको कि छत्ता कहते हैं। अगर आपके यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस पर शॉर्ट नोट पूछ लिया जाता है। अब बात कीजिए तो इनका हाउस ऑफ हनी भी कहा जाता है, हाइव छत्ता कहलाता है, ये हेक्सागोनल सेल मतलब इस तरीके के सेल से मिलकर बना होता है। ठीक है, जो कि वर्कर्स वैक्स सिक्रीट करती हैं उसके थ्रू ये बनता है। हर हाइव में क्या होते हैं, 1000 हेक्सागोनल सेल अरेंज होते हैं अपोजिट रोज में। ठीक है, यंग स्टेज ऑफ हनी भी इज लाइव इन सेंट्रल सेल, जो यंग स्टेज होते हैं वो सेंट्रल सेल रहते हैं, मतलब बीच वाले सेल में रहते हैं हनी के। ठीक है, जिनको कि ब्रूड सेल कहा जाता है। सर्टेन स्पीसीज ब्रूड सेल आर तीन टाइप के होती हैं, वर्कर सेल में वर्कर्स, ड्रोन सेल में ड्रोन, क्वीन सेल में क्वीन रहती हैं। ठीक है, तो क्वीन सेल कैन नॉट बी यूज अगेन, क्वीन सेल को कोई अगेन यूज नहीं कर सकता, उसको केवल और केवल क्या कर सकती है, क्वीन यूज कर सकती है, इस वजह से इनका नाम ही क्वीन रखा गया। ठीक है, और कुछ इस तरीके से ये छत्ते दिखते हैं, जिसमें पॉलन और हनी सेल्स हैं, वर्कर सेल्स हैं। ठीक है, ये एपिस एंडिका का दिखाया गया है, क्वीन सेल्स हैं, ड्रोन सेल्स हैं, तो इस तरीके से कुछ छत्ता दिखता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस तरीके से इनका छत्ता दिखता है। ठीक है, बट द अदर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एपिकल्चर का। तो मैंने बताया था आपको कि क्या होता है, जिसमें हम हनी का कल्चर करते हैं। ठीक है, हनी जो होती है, यानी कि जिसे मधुमक्खी भी बोला जाता है, उसका कल्चर, यानी कि होल प्रोसेस जो हनी का है, उसमें क्या करते हैं, हम हनी को कल्चर करते हैं। ठीक है, अब इसके भी मेथड्स हैं कि किस तरीके से हम कल्चर कर सकते हैं। मेथड्स में आता है कि उसके छत्ते जो हैं, मधुमक्खी के छत्ते किस तरीके से प्रिपेयर किए जाएं कि उनसे मोस्ट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो है मधु या हनी एक्सट्रैक्ट किया जाए, निकाला जाए। ठीक है, तो उसके लिए भी कई मेथड्स हैं, एंडजेनस मेथड, एक्सोजेनस मेथड। तो एंडजेनस मेथड्स पहले हम जानेंगे। ठीक है, इसमें मेनली दो तरीके के छत्ते बनाए जाते हैं, मेनली टू टाइप्स ऑफ हाइव्स इन मेड इज मेड इन दीज टाइप ऑफ मेथड्स। ठीक है, पहला है वॉल या फिक्स्ड हाइव्स। ठीक है, जो वॉल पे बना जाते हैं, दीवालों पे आपने छत्ते लगे देखे होंगे, कई सारे पुराने घर जो होते हैं जहाँ पे लोग ज़्यादा नहीं रहते हैं या रहते भी हैं, तो वहाँ पे दीवालों पे छत्ते लग जाते हैं। ठीक है, ये किस तरीके के हाइव होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, दिस टाइप ऑफ हाइव्स आर कंस्ट्रक्टेड बाई हनी बी ऑन द वॉल्स और ट्री। ठीक है, वॉल्स या ट्री ट्विग पे ये क्या होते हैं, बनते हैं। द हाइव्स आर ओपन ऑन वन साइड फॉर द एंट्री ऑफ द हनी बी। ये क्या होते हैं, ये छत्ते, जो मैंने छत्ते का शेप आपको दिखाया था कल, ठीक है, उसमें कुछ इस तरीके से हेक्सागोनली सारे क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। इस हेक्सागोनल शेप में एक तरफ का सिरा क्या होता है, पीछे से तो क्या होते हैं, ये पूरा पैक्ड होते हैं, आप सबने देखा होगा, पीछे से पूरा सील्डेड टाइप के होते हैं। ठीक है, लेकिन आगे से ये क्या होते हैं, ओपन होते हैं, जिससे इसमें हनी आती जाती रहती है, एंट्री के लिए उनके क्या होते हैं, ओपन होते हैं। इस तरीके के हाइव को वॉल और फिक्स्ड हाइव्स बोला जाता है। ठीक है, दूसरे आते हैं आपके मूवेबल हाइव्स। ठीक है, मूवेबल हाइव्स की बात की जाए, दीज आर मेड इधर इन वुडन बॉक्सेस और इन अर्दन पॉट्स। ठीक है, वुडन बॉक्सेस या अर्दन पॉट्स जो होते हैं, लकड़ी के बक्से या पॉट्स जो होते हैं, उनमें ये बनाए जाते हैं। ठीक है, और ये हाइव्स दोनों तरफ से ओपन होते हैं, बोथ एंड्स, मतलब आगे और पीछे दोनों तरीके से, दोनों तरफ से ये क्या होते हैं, ओपन होते हैं। इनको किसी भी ओपन कॉर्नर ऑफ हाउस में आप रख सकते हैं। ठीक है, हनी बी कम इन स्वार्म एंड सेटल इन द दीज हाइव्स। स्वार्मिंग के टाइम पे अपने ये आएंगी और क्या होगा कि सेटल डाउन इसमें हो जाएंगी। ठीक है, आप इसको कहीं भी रख सकते हैं, इसमें दोनों तरफ से छत्ते में हनी भी आएंगी। जबकि जो पहला आपने पढ़ा था वो सिर्फ एक एंड से ओपन था, जिसमें सिर्फ एक तरफ से एंट्री थी, दूसरी तरफ से वो सील्डेड था। बात करेंगे दूसरे तरीके के हाइव्स की, उससे पहले एक्सट्रैक्शन ऑफ हनी के बारे में हम बात करेंगे कि हनी को निकाला कैसे जाता। ठीक है, इसके लिए क्या होता है, मैं इसको इस तरीके से बताती हूँ कि जो छत्ते होते हैं, ठीक है, उनको क्या किया जाता है, उनके आसपास के एरिया में जलाया जाता है,
कुछ भी बर्न फायर जैसे कि गांव में पुआल वगैरह मिलते हैं या लकड़ी हो गई, कुछ भी जलाया जाता है ठीक है, जिससे उसका जो फायर होता है उसकी वजह से नाइट के टाइम या डे टाइम में जब भी सूटेबल टाइम ठीक है उस टाइम पे वो फायर जलाया जाता है। स्मोक की वजह से क्या होती हैं सारी मधुमक्खियाँ क्या होती हैं, आप सबको पता होगा कि स्मोक की वजह से उनमें इरिटेशन होता है जिसकी वजह से वो क्या होती हैं अपने छत्ते से भाग जाती हैं ठीक है। उसके बाद उस छत्ते को लेके स्क्यूज़ किया जाता है, स्क्यूज़ करने का मतलब एक तरीके से कहते हैं निचोड़ना, जैसे कपड़े को आप डालने से पहले उसका पानी निकालने के लिए स्क्यूज़ करते हैं निचोड़ते हैं, उसी तरीके से छत्ते को निचोड़ा जाता है और उसको क्या किया जाता है कलेक्ट किया जाता है। यहाँ पे वही सारी चीज़ें क्या है आपको डिटेल में बताई गई हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप अपना नोट्स प्रिपेयर करने के लिए ठीक है। अब इसके कुछ ड्रॉबैक भी हैं, मतलब आप कह सकते हैं एक तरीके से इसके कुछ नुकसान भी हैं ठीक है, ड्रॉबैक्स हैं। वो ड्रॉबैक्स क्या हैं कि इस तरीके के हनी जो एक्सट्रैक्शन होता है उसमें क्या होता है कंटामिनेशन यानी कि प्रदूषण या दूषित कह सकते हैं आप पॉलन ग्रेन यग या लार्वा के यग जो हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। ये लार्वा और यग इसमें क्या होते हैं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जो छत्ते में रहते हैं उसकी वजह से क्या होते हैं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ठीक है। सच हाइव्स आर ऑफन डिस्ट्रॉयड बाय रेट आंट वॉस एंड मंकी, इस तरीके के हाइव को मंकी हो गए वॉस्प हो गए और आंट्स हो गई चींटियाँ वगैरह ये सब क्या करती हैं डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो इस तरीके के हाइव्स के जो हैं ड्रॉबैक भी हैं कुछ, इनके नुकसान भी हैं ठीक है। तो इस वजह से अब दूसरे तरीके का एक मॉडर्न मेथड हम लोग पढ़ते हैं एपिकल्चर में जिसमें मॉडर्न मूवेबल हाइव और दूसरे तरीके की हाइव्स आती हैं ठीक है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इस तरीके से इसमें क्या होता है ठीक है। मॉडर्न मूवेबल हाइव की बात की जाए तो ये दिखता कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हैं ये एक उसमें नहीं आएगा, कुछ इस तरीके का ये दिखता है ठीक है। टिपिकल मूवेबल हाइव कुछ इस तरीके से ये दिखते हैं ठीक है। इनकी बात करेंगे किस तरीके से क्या चीज़ें इनमें पाई जाती हैं, तो ये जो हाइव होती हैं इनमें क्या होता है छत्ते जो होते हैं इट हैज़ अ बेसल स्टैंड, नीचे की तरफ एक स्टैंड पाया जाता है, अबव द स्टैंड इज़ अ बॉटम बोर्ड, एक बॉटम बोर्ड पाया जाता है इस स्टैंड के ऊपर विच हैज़ टू गेट इन फ्रंट, जिसमें दो गेट पाए जाते हैं फ्रंट में ठीक है। वन गेट इज़ फॉर एंट्रेंस ऑफ बी, पहला गेट होता है हनी बी के एंट्रेंस के लिए और दूसरा उनके एग्जिट के लिए होता है कैसे बाहर निकलेंगे ठीक है। देयर इज़ अ ब्रॉड चैम्बर अबव द, ये देख सकते हैं इस तरीके से नीचे बॉटम स्टैंड पाया जा रहा है ठीक है, ये स्टैंड पाए जा रहे हैं ठीक है। यहाँ पे फिर नीचे की तरफ बॉटम स्टैंड पाए जा रहे हैं और इसी बॉटम स्टैंड में क्या पाए जाते हैं एंट्री और एग्जिट के लिए दो चैम्बर पाए जाते हैं, ऊपर ब्रॉड चैम्बर सुपर और इनर कॉर्नर कवर और टॉप कवर इस तरीके से ये पाए जाते हैं ठीक है। बॉटम बोर्ड होता है ठीक है, इसमें क्या होता है इट हैज़ 5 to 10 फ्रेम्स एंड ईच फ्रेम हैज़ हेक्सागोनल फ्रेम हैंगिंग विथ वायर ठीक है। यहाँ पे 5 से 10 फ्रेम की लेयर पाई जाती है और वो शेप में कैसे होते हैं हेक्सागोनल होते हैं ठीक है। हेक्सागोनल का मतलब 6 लाइंस पाए जाएंगी उसमें, हेक्सागोनल शेप भी होते हैं। दीज आर कवर्ड विथ वैक्स, और ये किससे कवर्ड होते हैं वैक्स जो होते हैं जो हनी सिक्रीट करती है वैक्स उससे ये क्या होते हैं कवर्ड होते हैं। बीज स्टार्ट मेकिंग वेल अबव द मार्जिन ऑफ एवरी हेक्सागोनल फ्रेम ठीक है, ये क्या करते हैं वॉल बनाना शुरू कर देते हैं मार्जिन पे हर हेक्सागोनल फ्रेम की ठीक है। ईच वैक्स लेयर इज कॉल्ड कॉम्ब फाउंडेशन, और इस वैक्स लेयर को क्या कहा जाता है कॉम्ब फाउंडेशन कहा जाता है। एबव ब्रूड चैम्बर अनदर चैम्बर, जिसको कि सुपर चैम्बर कहा जाता है जैसा कि डायग्राम में आपने देखा। इन एडिशन देयर आर इनर कवर एंड टॉप कवर, उनके एडिशन में एक इनर कवर और एक टॉप कवर होता है जिससे कि प्रॉपर वेंटिलेशन हो, उसमें हवा अच्छे से पास हो सके, उनके प्रोटेक्शन के लिए अच्छे से रेन वगैरह में पानी ना जाए उनमें, और ये जिंक सीट की बनी होती है ठीक है। जिंक सीट क्या होता है इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब इनमें हनी का एक्सट्रैक्शन कैसे होता है ये देखेंगे। हनी को एक्सट्रैक्ट किया जाता है यूज़ फॉर हनी एक्सट्रैक्शन, इट फंक्शन ऑन प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन का आप सबने नाम सुना होगा या आप सबने लैब में अपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो ये एक मशीन होती है जिसमें किसी भी चीज़ को जैसे लिक्विड मटेरियल है उसमें कोई चीज़ मिक्स है सॉलिड मिक्स है ठीक है, उसको मशीन को चलाया जाता है वो खूब देर तक चलती है उसके बाद एक्सट्रैक्ट निकालती है ठीक है। उस मशीन से क्या होता है एक्सट्रैक्ट जो ज़रूरी चीज़ होता है वो नीचे जम जाता है उसको निकाल दिया जाता है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन के
टेक्निक पे ये क्या होती है, चलती है, जहाँ पे फोर्स किया जाता है कॉम सेंट्रीफ्यूज होता है एक्सट्रैक्टर के द्वारा और प्योर हनी जो है थ्रो आउट विदाउट हार्मिंग द कॉम। इसमें कॉम को बिना हार्म किए एक्सट्रैक्टर में उसको रख दिया जाता है और सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। सेंट्रीफ्यूज होने के बाद सारा हनी बाहर निकाल दिया जाता है और कॉम जो होता है, छत्ता जो होता है, वो वैसा का वैसा ही पड़ा रहता है, उसमें कोई नुकसान नहीं होता, उसमें कोई हार्म नहीं होता है। अब हम बात करेंगे एपिकल्चर के प्रोडक्ट्स की, क्या क्या आते हैं, जैसे हनी और बी वैक्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो पहले हम जानेंगे हनी के बारे में, ठीक है। चीफ प्रोडक्ट इनके क्या हैं, हनी है, बी वैक्स है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। पहला है हनी, तो इट इज़ एन इंसेक्ट प्रोडक्ट हैविंग हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू। ये एक इंसेक्ट प्रोडक्ट है जिसके पास बहुत ज़्यादा हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू होता है। इसमें क्या होता है, आपका ग्लूकोज फ्रक्टोज ये सब बहुत हाई क्वान्टिटी में पाया जाता है। टेस्ट में ये कैसा होता है, बहुत स्वीट होता है, ठीक है। ब्लैक, वाइट टू ब्लैक इन कलर होता है। इट इज सुगर रिच होता है कंपाउंड, कंटेन्स 40% सुगर, इसमें 40% सुगर होता है। इसमें जो है कंपोजिशन ऑफ लेविलोज पाया जाता है 38%, डेक्सट्रोज 2.28%, माल्टोज 8%, एंजाइम्स पाए जाते हैं, पिगमेंट्स पाए जाते हैं, ऐश पाए जाते हैं और वाटर 20% पाया जाता है। ये कुछ पिगमेंट हैं जो चीज़ें पाई जाती हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात की जाए हनी को, कि किस किस तरीके से इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, इकोनॉमिकली किस तरीके से आप इनको यूज़ कर सकते हैं, एज अ फूड, एज अ मेडिसिन, कई सारी तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हनी क्या होता है, रिच फूड होता है और मेडिसिन के लिए यूज़ किया जाता है। अब फूड की बात की जाए तो अबाउट 200 ग्राम ऑफ हनी इज सेड टू बी इक्विवेलेंट टू 9 लीटर ऑफ मिल्क और 1.7 केजी बटर और 330 ग्राम्स ऑफ मीट। सोच लीजिए 200 ग्राम अगर आप हनी ले लेते हैं, एक ही दिन में खाने की बात नहीं की जा रही है, धीरे धीरे, वो किसके इक्विवेलेंट यानी कि किसके बराबर होता है, 9 लीटर ऑफ मिल्क के बराबर होता है, 1.6 केजी बटर के बराबर होता है और 330 ग्राम मीट के बराबर होता है। इट्स सुगर एंड मिनरल्स विटामिंस कैन इजली बी एसिमिलेटेड इनटू द बॉडी। इसके जो शुगर होते हैं, मिनरल होते हैं, वाइटामिन होते हैं, वो बॉडी में ईजिली क्या हो सकते हैं, एसिमिलेट हो सकते हैं, आप उसको अच्छे से एसिमिलेट कर सकते हैं। ये यूज़ कर, इट कैन बी यूज इन प्रिपरेशन ऑफ केक, ब्रेड एंड कैंडी। और इसका यूज़ केक बनाने में, ब्रेड बनाने में, कैंडीज़ बनाने में, आप जो कैंडीज़ खाते हैं, जो अच्छी क्वालिटी की कैंडीज़ होती हैं, वो हनी से बनाई जाती हैं और वो आपके लिए बेनिफिशियल होती हैं, ठीक है। एज अ मेडिसिन यूज़ करते हैं इनका। अब एज अ मेडिसिन कैसे यूज़ करते हैं, बात की जाए, हनी इज़ यूज्ड इन द यूनानी एंड आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। इट कैन बी यूज्ड इन कफ, कोल्ड एंड फीवर। जो आप एलोपैथिक दवाएं लेते हैं उसमें तो नहीं उतना ज़्यादा, लेकिन यूनानी और आयुर्वेदिक, ठीक है, जो मेडिसिन है या जो कल्चर है उसमें जो है इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे अगर आपको कफ हो गया या कोल्ड है तो उसमें फीवर वगैरह में हनी आपको कुछ मिक्सचर के साथ, कई सारे मिक्सचर आते हैं आयुर्वेदिक दवाओं के, उसके साथ हनी के साथ मिला के आपको दिया जाता है, तो वो टेस्ट में भी स्वीट लगता है और खाने में भी अच्छा होता है और बेनिफिशियल भी होता है। इट प्योरीफाइज ब्लड एंड हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन। ये ब्लड को प्योरीफाई भी करता है, प्योरीफिकेशन, अगर ब्लड में आपके कोई इन्फेक्शन वगैरह है तो आप हनी ले सकते हैं, प्योरीफिकेशन में हेल्प करता है, हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस में हेल्प करता है। बाय यूजिंग हनी डिसेंट्री कैन ऑल्सो बी क्योर विद इन 48 आवर्स। ऐसा माना जाता है कि जो डिसेंट्री, अगर आपको लूज मोशन वगैरह हो गया है तो उसमें भी आप अगर हनी लेते हैं तो विद इन 48 आवर्स ये क्या करता है, क्योर कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका बी वैक्स। बी वैक्स क्या होता है, बी वैक्स येलोइस या ग्रेस कलर का क्या होता है, इनसॉल्युबल सबस्टांस होता है जो कि वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। ये क्या होता है, ये यूज़ किया जाता है किसमें, प्रिपेरेशन में, कॉस्मेटिक्स में, कॉस्मेटिक्स जो आप यूज़ करते हैं फेस पे लगाने के लिए, फेस क्रीम्स में, ऑइंटमेंट्स में, पॉलिसेज में, पेंट में, कार्बन पेपर में, इन सब में क्या होता है, इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। और लेबोरेटरी में एक माइक्रोटोमी करके एक प्रोसेस होता है, माइक्रोटोमी के प्रोसेस में भी बी वैक्स का यूज़ कर किया जाता है। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे, MSc वगैरह करेंगे या BSc में भी, जो बच्चे बायोकेमिस्ट्री वगैरह से पढ़ते हैं उनको माइक्रोटोमी कराई जाती है, ठीक है। तो माइक्रोटोमी में क्या होता है, बी वैक्स का ही यूज़ होता है, ठीक है। अब बात करेंगे हम प्रिकॉशन की, एपिकल्चर के लिए प्रिकॉशंस क्या क्या लेनी चाहिए अगर आप एपिकल्चर परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए प्रिकॉशंस क्या है, ठीक है।
तो इसके लिए प्रिकॉशंस है, द हाइव शुड बी नॉट बी मोर देन हाफ एन माइल अवे फ्रॉम द प्लेस वेयर द बीज हैव टू बी कलेक्ट द नेक्टर एंड पॉलन। ठीक है, अगर आप एपिकल्चर कर रहे हैं, ठीक है, और जो छत्ते बना रहे हैं, तो नेक्टर जो है, नेक्टर जहाँ से वो मधुमक्खी कलेक्ट करेगी, ठीक है, उसका डिस्टेंस हाफ माइल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, छत्ता और जहाँ से नेक्टर कलेक्ट करेगी उसके बीच का डिस्टेंस हाफ माइल या उससे कम होना चाहिए। ठीक है, द बॉक्सेस मस्ट बी केप्ट अंडर द सीड, जो बॉक्सेस हैं उनको छांव के अंदर रखना चाहिए। द एपिकल्चर सेंटर शुड बी नियर द रोड फॉर प्रॉपर ट्रांसपोर्ट, और इनको रोड वगैरह के, सड़क वगैरह के किनारे पे ही थोड़ा बनाएं ताकि जब ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प मिले उनके लिए, ठीक है, ट्रांसपोर्ट में हेल्प मिले। फ्रेश वाटर रिसीवर शुड बी नियर द हाइव, ठीक है, फ्रेश वाटर, कोई फ्रेश वाटर का जो है सोर्स वहाँ के पास पास में क्या होता है, होना चाहिए। ठीक है, गुड फ्लोरा फॉर द नेक्टर एंड पॉलन कलेक्शन शुड बी नियर द हाइव, आपको मेक श्योर करना होगा कि जो हनी है वो अच्छे फ्लोरा के में आपके क्या आते हैं, फ्लोरा में आपके प्लांट्स आते हैं, प्लांट किंगडम को जो पूरा आता है उसको फ्लोरा बोला जाता है, फौना में आपके एनिमल्स आते हैं, तो फ्लोरा आपको मेक श्योर करना होगा कि जो हनी है वो अच्छे से अच्छे फ्लोरा, अच्छे से अच्छे क्वालिटी के फ्लोरा पे क्या करे, अच्छे से अच्छे क्वालिटी के प्लांट पे क्या करे, फीड करे, ताकि जितना ही अच्छा वो नेक्टर कलेक्ट करेगी, पॉलन कलेक्ट करेगी, उतना ही अच्छा हनी प्रोड्यूस करेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको मेक श्योर करनी होंगी। इन्हें होते हैं ड्यूरिंग द एपिकल्चर, तो ये आपका टोटल नोट है एपिकल्चर का। ठीक है, अगर आप सबकी रिक्वेस्ट होगी तो ज़रूर मैं इस सेक्शन में ज़रूर बताइए, उसको रिजॉल्व किया जाएगा। आगे के दो कल्चर्स हमने पढ़े थे, सेरीकल्चर जिसमें हमने बॉम्बिक्स मोरहाई के बारे में पढ़ा था, सिल्क वर्म किस तरीके से सिल्क निकाला जाता है, फिर एपिकल्चर में हमने पढ़ा किस तरीके से जो हनी बी होती है, ठीक है, बी, ठीक है, उसका कल्चर किस तरीके से किया जाता था। अब लैक कल्चर में हम एक एनिमल पढ़ते हैं जिसका नाम है, मोस्ट प्रोबेबली जिस एनिमल को हम पढ़ते हैं, टैकार्डिया लाका, ठीक है, या लैसिफर लाका, ठीक है, टैकार्डिया लाका या लैसिफर लाका, और इसके कल्चर को क्या कहते हैं, लैक कल्चर कहते हैं। थोड़ा सा इनके सिस्टमेटिक पोजीशन की बात कर लेंगे। सिस्टमेटिक पोजीशन में हम बात करते हैं किस फाइलम, किस किंगडम, किससे ये बात बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो सिस्टमेटिक पोजीशन की अगर बात की जाए, ठीक है, तो ये जो है फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं। सारे ही अभी तक आपने जिसने भी पढ़ा लैक कल्चर, सैरी कल्चर, एपिकल्चर, सभी फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं, और क्लास उनका इंसेक्ट है, ठीक है। ऑर्डर इसका क्या है, हेमिप्टेरा है, हेमिप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ऑर्डर से क्वेश्चन बनता है। जीनस टैकार्डिया है, स्पीसीज लाका है, ठीक है, तो ऑर्डर से इसके क्वेश्चन बनता है किस ऑर्डर से बिलोंग करता है। अब बात की जाए इनके डिस्क्रिप्शन की, तो जो इंडियन लैक इंसेक्ट है, ठीक है, जिसको कि लैसिफर लाका के नाम से जाना जाता है, वो फिग ट्री, फिग फैमिली के ट्री पे, जैसे कि खैर हो गया, पीपल हो गया, बनियान ट्री हो गया, बैम्बू ट्री हो गया, ठीक है, बबूल ट्री हो गया, इन सब जगहों पे पाया जाता है। और कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, कौन कौन सी कंट्री में पाया जाता है, तो मेनली इंडिया में, श्रीलंका में, थाईलैंड में और फिलीपींस, इन कंट्रीज़ में ये पाया जाता है। फिग फैमिली के जो, जैसे कि खैर, पीपल, बनियान, बबूल ट्री होते हैं, यहाँ पे पाया जाता है, मोस्टली इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, यहाँ पे ये पाया जाता है। अब बात कीजिए तो इंडिया में कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं, किस किस स्टेट में इंडिया के पाए जाते हैं, तो इंडिया में ये जनरली आसाम, बंगाल, बिहार, गुजरात, कश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आदि जगहों पे ये पाए जाते हैं। इन इन जगहों पे, इन इन स्टेट्स में इनका क्या होता है, कल्चर किया जाता है, ठीक है। अब बात की जाए तो लैक क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव सिक्रीशन ये क्या करता है, रेजिनस प्रोटेक्टिव सिक्रीशन क्या करता है, सिक्रीट करता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, उसी को क्या कहा जाता है, लैक कहा जाता है। विच इज़ अ पेस्ट ऑन नंबर ऑफ प्लांट्स, जो कि पेस्ट लाइक चिपचिपा आपने कई प्लांट पे, बबुल वगैरह के प्लांट पे, तो आप पीपल वगैरह के प्लांट पे ऐसे चिपचिपा एक सबस्टांस देखा होगा, ठीक है, चिपचिपा टाइप का होता है, उसे आप निकालेंगे तो चिपचिपा इलास्टिक होगा, फैलेगा, ठीक है, तो वो क्या होता है, वही क्या होता है, लैक होता है, ठीक है, लाख जिसको हिंदी में बोला जाता है, लैक वही होता है, या लाख जिसको बोला जाता है, और इसको सिक्रीट कौन करता है, लैक जो लैक लैसिफर लैका होता है वही सिक्रीट करता है, जो कि क्या है, एक इंसेक्ट है, ठीक है। रेजिनस प्रोटेक्टिव सिक्रीशन है, रेजिनस है नेचर में, ठीक है,
द माइन्यूट रेड कलर लार्वा ऑफ द इंसेक्ट सेटल ऑन द एंग सैकुलेंट सूट ऑफ द होस्ट प्लांट। जो इसका लार्वा होता है, ठीक है, लार्वा प्यूपा इन स्टेज में पाया जाता है, आगे इसके लाइफ साइकिल को आप पढ़ेंगे। तो इसका लार्वा जो होता है वो क्या होता है, सेटल डाउन हो जाता है, यानी कि बैठ जाता है सकुलेंट सूट, सूट जो होता है, ठीक है, स्टेम रूट, स्टेम सूट आप सबने सुना होगा। तो जो इसका सूट होता है वहाँ पे, जो होस्ट प्लांट होता है यानी फिग फैमिली के जो प्लांट्स, पीपल वगैरह, बनियान वगैरह पे, ये क्या होता है, बैठ जाता है, ठीक है। और वहाँ पे क्या करते हैं, दे ड्राइव देयर लॉन्ग प्रोबोसिस इनटू बार्क एंड ड्रॉ देयर न्यूट्रिएंट्स। और अपने प्रोबोसिस जो आगे का माउथ होता है उसको प्रोबोसिस बोला जाता है, वो क्या करते हैं, ड्राइव घुसा देते हैं उनके बार्क में, ठीक है, और वहाँ से उनका न्यूट्रिएंट क्या करते हैं, लेने लगते हैं, ठीक है। रेजिनस, थिक रेजिनस फ्लूइड सिक्रीट करते हैं अपने हाइंड लिम्ब, बॉडी के हाइंड लिम्ब से, जो कि कवर करता है इंडिविजुअल इंसेक्ट को, ठीक है, and forms a hard continuous industrial incrustations covering, ठीक है, ये जो कि एक hard covering इनकी body पे बना लेता है twig के ऊपर, ठीक है। This covering is called a cell, और इस covering को क्या कहा जाता है, cell, SHELL, cell बोला जाता है। The twig are harvested and incrustation are scraped, dried and processed to get lag. अब इन twig को क्या करते हैं, जिन twig पे वो, यानी कि जो आपके पेड़ का सूट है, ठीक है, ट्विग उसको बोला जा रहा है, उस पर जो ये क्या करते हैं, सीक्रेट कर देते हैं, उसको हार्वेस्ट किया जाता है, कट किया जाता है, ठीक है, इनक्रस्टेन क्रस्टेशन बना लेते हैं। तो उनके क्या किया जाता है, इनक्रस्टेशन को स्क्रैब किया जाता है, खुरचा जाता है जिसको बोलते हैं, सुखाया जाता है और प्रोसेसिंग करके इसको लैग को निकाला जाता है। इनके प्रोसेसिंग के मेथड्स वगैरह आप पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हम लैग इंसेक्ट के बारे में जान लेते हैं, लैग इंसेक्ट क्या होता है, कैसे काम करता है, ठीक है। तो मोस्ट वाइडली जो लैक इंसेक्ट पाया जाता है वो क्या होता है, आपका टेगार्डिया लैका, जिसको कि लेसिपर लैका के नाम से जाना जाता है। इसकी मोस्ट प्रोबेबली इंडिया में 14 स्पीसीज रिकॉर्डेड हैं, और इनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट होता है, यानी कि मेल अलग होता है और फीमेल अलग होता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इनमें पाया जाता है, ठीक है। मेल इंसेक्ट की अगर बात की जाए तो जो मेल इंसेक्ट होता है रेड कलर का होता है, ठीक है, कौन से कलर का, रेड कलर का होता है मेल इंसेक्ट, रेड कलर का होता है, 1.2 से 1.5 mm का लेंथ में होता है, और रेड्यूस्ड आई, आई इसकी क्या होती है, रेड्यूस्ड होती है, यानी कि ऐसे बहुत छोटी सी डॉट डॉट टाइप की दिखेंगी, रेड्यूस्ड रहेंगी। 10 सेगमेंटेड एंटीना पाया जाता है, एंटीना जो आगे इनमें पाया जाएगा इस तरीके से, वो क्या होगा, 10 सेगमेंटेड होगा, ठीक है। द माउथ पार्ट्स आर पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप, इनके माउथ कैसे होते हैं, पियर्सिंग और सकिंग टाइप, मतलब चिपक लेते हैं उस चीज से और उससे क्या करते हैं, फूड को सक करेंगे। थोरेक्स, इनके में 3 पेयर लेग पाए जाते हैं, इनके थोरेक्स में 1 पेयर विंग पाया जाता है। एब्डोमेन जो होता है इनका, बॉडी हेड थोरेक्स एब्डोमेन में डिवाइडेड होती है, तो एब्डोमेन में 8 सेगमेंटेड होते हैं, ठीक है। इंड्स इनटू काइटिनस सीथ, इंड में इनके काइटिनस सीथ पाई जाती है। इधर साइड ऑफ दिस जेनाइटल सीथ इज प्रेजेंट कॉडल सिटी, और उसके साइड में क्या प्रेजेंट होता है, कॉडल सिटी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं, ठीक है, लैक इंसेक्ट जो है ये कुछ इस तरीके से, ये देख सकते हैं आप, एक मेल इंसेक्ट का डायग्राम यहाँ पे दिखाया गया है, ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं, ठीक है, इस तरीके से इनका दिखते हैं। और इनके लाइफ साइकिल की बात की जाए, ठीक है, तो लार्वा बनता है इस तरीके से, सबसे पहले मेल सेल और फीमेल सेल पाए जाते हैं, ठीक है, दोनों अलग अलग सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है, ठीक है। उसके बाद एक लार्वा इनके बनते हैं, ये फीमेल लाइक इंसेक्ट है और लार्वा है लाइक इंसेक्ट का, मेल लाइक इंसेक्ट का, और ये इनक्रस्टेशन होते हैं किस पे, बेर प्लांट पे, ऑन बेर प्लांट दिखाया गया, और उस तरीके से फिर ये किस में डेवलप होता है, इस तरीके से ये मेल में डेवलप होता है। तो इस तरीके से ये लाइफ साइकिल इनकी दिखाई गई है इंसेक्ट की। तो फीमेल इंसेक्ट क्या होता है, लार्जर होता है मेल से, ठीक है, इनके फीमेल के अंगे लार्जर होंगे। तो आप बाहर से सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब यही होता है कि आप बाहर से देखकर बता दें कि कौन मेल है और कौन फीमेल है, ठीक है। इनका जो है बॉडी होता है फीमेल नॉट क्लियरली डिवाइडेड इनटू हेड थोरेक्स एंड एब्डोमेन, इनकी फीमेल हेड थोरेक्स एब्डोमेन में क्लियरली डिवाइडेड नहीं होती है जिस तरीके से मेल में पाया जाता था। माउथ पार्ट इनका भी पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप का होता है। ये हमेशा एक रेजिनस सेल के अंदर क्या होती हैं, इनक्लोज होती हैं, बंद होती हैं, ठीक है। अब इनके लाइफ साइकिल की बात की जाए तो इनके लाइफ साइकिल में 3 स्टेजेस पाई जाती हैं, दैट इज़ एग, निम्फ एंड अडल्ट।
सबसे पहले एग का फॉर्मेशन होगा, देन निम्फ का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद एडल्ट। यहाँ से लाइफ साइकिल से भी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, ठीक है। तो इनकी लाइफ साइकिल में एग, निम्फ और क्या बनता है, एडल्ट बनता है, ठीक है। मैच्योर मेल जो होता है इनमें, ठीक है, इमर्जेज आउट ऑफ देयर चैम्बर एंड क्रोल टू द फीमेल चैम्बर्स। जो इनके मेल हैं वो अपने चैम्बर से निकलेंगे और क्रॉलिंग करके चलते हुए फीमेल चैम्बर के पास पहुंच जाएंगे। द मेल इंटर्स इनटू द फीमेल चैम्बर थ्रू एनल ट्यूबुलर ओपनिंग। जो फीमेल मेल है वो अपने फीमेल चैम्बर में एनल ट्यूबुलर ओपनिंग एक पाई जाती है उनकी बॉडी में, उसके थ्रू क्या करेगा, इंटर करेगा और फर्टिलाइज करेगा फीमेल को, ठीक है। कॉपुलेशन के बाद मेल क्या होता है, मर जाता है। जब कॉपुलेशन कर लेगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, उसके बाद मेल क्या होगा, मर जाएगा, ठीक है। वन मेल कैपेबल होता है कई भी फीमेल को क्या करने के लिए, फर्टिलाइज करने के लिए। एक मेल के अंदर कैपेबिलिटी पाई जाती है कि वो कई फीमेल को फर्टिलाइज कर ले, कॉपुलेशन उनसे कर सकता है, ठीक है। फीमेल्स डेवलप रैपिडली आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद इनमें रैपिड डेवलपमेंट होता है। ये और ज़्यादा रेजिनस सबस्टांस क्या करती हैं, सिक्रीट करने लगती हैं, वैक्स फॉर्मिंग लार्ज साइज्ड नंबर, ठीक है। वैक्स जो है बहुत लार्ज नंबर में ये बनाने लगती हैं, ठीक है। एक मैच्योर फीमेल जो है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, 200 से 500 एग क्या करती है, रिलीज करती है, जिससे हैच होते हैं रेड कलर के लार्वा। दे क्रोल्स आउट द फीमेल इंक्यूबेटिंग चैम्बर, और ये आपके फीमेल इंक्यूबेटिंग चैम्बर से निकलते हैं। जो लार्वा का मास इमर्जेंस, बहुत ज़्यादा संख्या में जब लार्वा निकलते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, स्वार्मिंग, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, स्वार्मिंग। तो मास इमर्जेंस यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में लार्वा का निकलना, द प्रोसेस इज नोन एज स्वार्मिंग, ठीक है। ईच लार्वा जो होता है बोट शेप्ड का अपियरेंस में होता है, 1.5 mm क्या होता है, लेंथ में ये होता है। एक हेल्दी जो फीमेल है वो 300 से 1000 तक लार्वा प्रोड्यूस करती है। एक ब्रीफ बड़े पीरियड के बाद लार्वा सेटल होता है सुटेबल प्लेस पे, ठीक है। और सेटल होने के बाद लार्वा स्टार्ट करता है लैक सिक्रीट करना इनके लैक ग्लैंड से, ठीक है, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ऑल ओवर द बॉडी एक्सेप्ट माउथ पार्ट, केवल माउथ पार्ट को छोड़कर, जो कि क्या होता है, ब्रीदिंग पोर जिस पर पाई जाती हैं एंड एनस, ये दो दो जगहों पे क्या होता है, लैक सिक्रीशन नहीं होता, बाकी हर जगह से होता है, ठीक है। और द लार्वा इनक्लोज्ड इन अ सेल ऑफ इट्स ओन सिक्रीशन। अब लार्वा क्या होगा, एक सेल के अंदर बंद हो जाएगा। द सेक्स इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द शेप ऑफ द सेल। अब जानेंगे जो सेल है, मेल और फीमेल लार्वा अपने चारों तरफ एक सेल का फॉर्मेशन करेंगे। अब इस सेल को हम उनके शेप वगैरह के बेसिस पे पहचानेंगे। तो बात की जाए अगर मेल सेल की, ठीक है, तो मेल सेल क्या होते हैं, मेल सेल जो होते हैं स्लीपर लाइक अपीयरेंस होते हैं, स्लीपर लाइक इस तरीके से कुछ स्लीपर लाइक अपीयरेंस इनका होगा। एंड द लार्वा मोल्ट 3 times बिफोर रीचिंग मैच्योरिटी, और 3 times इसमें क्या होता है, मैच्योरेशन पाया जाता है, सॉरी मोल्टिंग पाई जाती है बिफोर मैच्योरेशन, मैच्योरेशन के बाद, ठीक है, सॉरी मैच्योरेशन के पहले। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्यूपा स्टेज द एडल्ट मेल में विंग्ड और विंगलेस इमर्जेस आउट द सेल। जब कंप्लीट हो जाता है इनका प्यूपा स्टेज, उसके बाद एडल्ट मेल क्या होगा, बाहर निकलेगा, या तो उसके पास विंग पाया जाएगा या नहीं पाएगा पाया जाएगा, ठीक है, और रीच करता है फीमेल के पास, देन फिर फर्टिलाइजेशन करता है। बात कीजिए फीमेल सेल की, तो फीमेल सेल की अगर हम बात करते हैं, तो फीमेल सेल क्या होता है, स्वेलन एंड पियर शेप्ड का होता है। वो स्लीपर लाइक था, ये कैसा होता है, पियर शेप्ड का। ऑक्यूपाई करता है लैक सेल को कम्प्लीटली। आफ्टर थर्ड मोल्ड फीमेल इज सेक्सुअली मैच्योर, फीमेल सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है, ठीक है, एंड फर्टिलाइज्ड बाई मेल, और मेल के द्वारा क्या होता है, इसमें फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। सिक्रीशन बाई द फीमेल कॉन्टिन्यूज एंड द साइज ऑफ द इंसेक्ट लैक सेल इंक्रीजेज। द फीमेल कॉन्टिन्यूज टू सिक्रीट लैक अंटिल द गार्ली, लैक का सिक्रीशन करने लगते हैं। अब इस लेक्चर में हमें बस इतना ही पढ़ना था, आगे के लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे कल्टिवेशन ऑफ लैक के बारे में, इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस क्या होती है, कौन कौन से मेथड से हम कल्टीवेशन कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और इन नोट्स वगैरह के अगर आपको PDF चाहिए तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल्टीवेशन ऑफ लैक का मतलब क्या होता है, लैक का कल्टीवेशन मतलब
जो लैका लेसिफर इंडिका है या लैका टैकार्डिया इंडिका है, उससे जो है कैसे हम लैक यानी कि लाख जिसको हिंदी में कहता है वो कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले ट्रेडिशनल मेथड यूज़ किया जाता था। फिर ट्रेडिशनल मेथड में कुछ ड्रॉबैक्स आए यानी कि कुछ कमियां आ गई, जिसकी वजह से हम मॉडर्न मेथड यूज़ करते हैं। अब हम ट्रेडिशनल मेथड के बारे में पढ़ेंगे एक एक करके। तो ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है, इसमें जो है फार्मर क्या होता है, फॉरेस्ट में जाके फॉरेस्ट एंड अदर एरियाज वेयर सूटेबल होस्ट प्लांट आर फाउंड, फॉरेस्ट हो या सूटेबल एरिया जहाँ पे क्या होता है लैक के जो फिग फैमिली के प्लांट जैसे कि बैम्बू नीम और ये सब पाए जाते हैं, पीपल वगैरह, वहाँ पे क्या करते हैं वहाँ पे जाके उनके जो जहाँ पे वो ब्रूड लैक उस ट्विग होस्ट ट्री पे जो है लैक सेल को लैक सेल के लार्वा को देता है, मदर सेल से लैक सेल का लार्वा निकलता है, उस लार्वा को क्या करते हैं कलेक्ट करते हैं, उस ट्विग को यानी कि उस लकड़ी के पार्ट को क्या करते हैं कट कर लिया जाता है बंडल में, और सूटेबल प्लेस प्लेस जो होता है ट्री पे उसको वहाँ पे रख दिया जाता है। जब लार्वा क्या होता है स्वार्मिंग का टाइम आता है, मतलब मास इमर्जेंस ऑफ लार्वा को क्या कहते हैं स्वार्मिंग कहते हैं, स्वार्मिंग का टाइम आता है बहुत सारे लार्वा निकलते हैं और सेटल होते हैं सकुलेंट सूट पे, दे स्टार्ट लैक सेक्रीशन और ये लैक सेक्रीशन स्टार्ट कर देते हैं, फॉर्म द इनक्रस्टेशन और इनक्रस्टेशन का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और इस तरीके से स्क्रूपिंग करके यानी कि खुरच करके क्या करते हैं हम लैक को ऑब्टेन कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये मॉडर्न मेथड क्या था, ये मॉडर्न मेथड में बहुत सारे ड्रॉबैक थे जिनको पूरा करने के लिए ये जो ट्रेडिशनल मेथड था उसमें बहुत सारे ड्रॉबैक थे, इनको पूरा करने के लिए आया मॉडर्न मेथड। अब मॉडर्न मेथड में क्या था, इसमें लैक कल्टीवेशन के लिए ड्रॉबैक को फुलफिल करने के लिए जो आपके पहले का मेथड था उसके ड्रॉबैक को फुलफिल करने के लिए क्या किया गया, मॉडर्न मेथड बनाया गया। इसमें कई सारी टेक्निक को क्या किया एडॉप्ट किया गया, जिसकी वजह से ये बेटर क्वालिटी के जो है लैक को प्रोड्यूस कर पाता है। इसमें कई सारे स्टेप इन्वॉल्व हुए, जैसे प्रूनिंग, इनोकुलेशन, और इनोकुलेशन पीरियड क्या होता है, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई। तो सबसे पहले हम प्रूनिंग से स्टार्ट करेंगे। प्रूनिंग का मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है कि होस्ट प्लांट जो है प्रिपेयर्ड किए जाते हैं इनोकुलेशन के लिए। ठीक है, जो ब्रूड लैक होता है उनको डिफरेंट मेथड से उनकी क्या की जाती है प्रूनिंग। प्रूनिंग का मतलब होता है जनरल हेल्थ ऑफ ट्री इज मेंटेन। इसमें जो हेल्थ है ट्री की देखा जाता है कि उस पर कीड़े ना लगने पाए, उस पर फंगस ना लगने पाए, वो डेड ना होने पाए पार्ट, ये सारे जो उसके तरीके हैं जैसे कि उसमें कोई भी इन्फेक्शन ना हो, उसके डेड और डिजीज ब्रांच को क्या किया जाता है कट कर दिया जाता है क्रूड नाइफ से, एक धारीदार किसे नाइफ से अच्छे से कट कर दिया जाता है, ताकि वही पार्ट बचे जिस पे हेल्दी जो है हेल्दी आपके लैक इंसेक्ट्स पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस हो गई प्रूनिंग की। प्रूनिंग के बाद हम करते हैं इनोकुलेशन। व्हाट इज इनोकुलेशन, इनोकुलेशन में क्या होता है, ये क्या होता है यंग वंस जो होते हैं वो प्रॉपरली एसोसिएट रहें होस्ट प्लांट से, प्रॉपरली अटैच रहें होस्ट प्लांट से, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है इनोकुलेशन कहा जाता है। इसमें क्या होता है ब्रूड लैक इज कट जस्ट बिफोर द लार्वा इमर्जेंस, जो ब्रूड लैक्स होते हैं उनको कट कर दिया जाता है जैसे ही लार्वा का इमर्जेंस होने वाला रहता है। ठीक है, और ये डिटरमाइन कैसे किया जाता है अपीयर किस तरीके से पता चलेगा कि अब लार्वा का इमर्जेंस होने वाला है, इसमें क्या होते हैं स्पॉट आ जाते हैं इनक्रस्टेशन पे उसके एनल रीजन पे। ठीक है, इससे पता चल जाता है अब लार्वा का इमर्जेंस होने वाला है हेल्दी फीमेल्स में। ठीक है, द ब्रांच हैविंग हेल्दी ब्रूड लैक फॉर कट इंटू 15 to 30 cm एंड टाइड विथ स्टिंग टू सकुलेंट सूट एट द होस्ट। इसमें क्या किया जाता है कि जब जो है अच्छे से लार्वा उस पर सेटल डाउन हो जाता है तो उन लकड़ियों को 15 से 30 cm के रेंज में क्या कर लिया जाता है कट कर लिया जाता है और स्टिंग कर दिया जाता है, बांध कर लिया जाता है। ठीक है, द इनोकुलेशन हेल्प इन स्प्रेड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लार्वा ऑन हेल्दी प्लांट। ये क्या करता है लार्ज नंबर ऑफ लार्वा हेल्दी प्लांट पे आए, अच्छे प्लांट पे, उसमें हेल्प करता है, दे सेटल एंड प्रोड्यूस लैक, और ये सेटल होके लैक प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इनोकुलेशन पीरियड क्या होता है, ठीक है इनोकुलेशन का समय क्या होता है, जैसे कि बहुत सारे मंथ्स आते हैं तो उसी तरीके से इनोकुलेशन का पीरियड क्या होता है। ठीक है, अब इंडिया में बात की जाए तो इंडियन कल्चर के हिसाब से यहाँ पे इनोकुलेशन पीरियड बताया गया, जैसे रंगीनी एंड कुसमी आर ग्रोन इन ईयर, एक साल में ग्रो करती हैं। द रंगीनी क्रॉप इज ऑफ टू टाइप्स,
कॉल्ड कार्तिकी एंड वैसाखी। ये रंगीनी क्रॉप जो होते हैं दो टाइप के होते हैं जिनको कार्तिकी एंड वैसाखी के नाम से जाना जाता है। विच प्रोड्यूस्ड कार्तिकी एंड वैसाखी लैक रिस्पेक्टिवली, जो कार्तिकी एंड वैसाखी लैक को प्रोड्यूस करते हैं, इनका नाम भी इनके इनोकुलेशन पीरियड के नाम पे है, ठीक है। जो कुसमी क्रॉप होता है ये टू टाइप्स का होता है, जिसको कि अगहनी और जेठी कहा जाता है, ठीक है। ये जो हिंदी नाम है आपके हमारे, जैसे कार्तिक मास, अगहन मास, ज्येष्ठ मास, तो उनके नाम पे ये इनके नाम दिए गए हैं, विच प्रोड्यूस अगहनी एंड जेठी, ठीक है, लैक रिस्पेक्टिवली। इनके लैक का भी नाम उसी के हिसाब से दिया गया है। अब इनकी हार्वेस्टिंग यानी कि इनको प्राप्त कैसे करते हैं, दो तरीके से हार्वेस्टिंग होती है, एक इमेच्योर हार्वेस्टिंग, दूसरी मेच्योर हार्वेस्टिंग। जानेंगे कि किस तरीके से हार्वेस्टिंग होती है। हार्वेस्टिंग प्रोसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ लैक फ्रॉम द होस्ट ट्री इज नोन एज हार्वेस्टिंग। प्रोसेस जो होता है कलेक्शन का वो लैक से, उससे क्या कहा जाता है, हार्वेस्टिंग कहा जाता है। इमेच्योर हार्वेस्टिंग में क्या होता है, इमेच्योर हार्वेस्टिंग जो होती है, द हार्वेस्टिंग ऑफ द लैक बिफोर स्वार्मिंग, स्वार्मिंग यानी कि मास इमर्जेंस ऑफ जो लार्वा होता है उसके पहले ही क्या किया जाए, इसको हार्वेस्ट कर लिया जाए, प्राप्त कर लिया जाए, तो ये क्या कहलाती है, इमेच्योर हार्वेस्टिंग कहलाती है। और इससे जो लैक ऑब्टेंड किया जाता है उस लैक का नाम होता है एरी लैक। यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। मेच्योर हार्वेस्टिंग की बात की जाए तो जो हार्वेस्टिंग है स्वार्मिंग की अगर बात की जाती है तो उसे मेच्योर हार्वेस्टिंग कहते हैं, और इसके लैक को क्या कहते हैं, मेच्योर लैक कहते हैं। अब इनकी प्रोसेसिंग कैसे की जाती है, ठीक है। तो व्हेन द क्रॉप इज मेच्योर इट इज स्क्रैप्ड फ्रॉम द ट्विग। जब लैक मेच्योर हो जाता है उसको खुरच लिया जाता है, कहाँ स्क्रैप कर लिया जाता है, ट्विग से। स्क्रैप्ड लैक को क्रश किया जाता है हैंड से और इसको ऑप्टेन करने आ जाता है ग्रेन्यूल के फॉर्म में, और इस लैक को क्या कहते हैं, सीड लैक कहते हैं, ठीक है। द सीड लैक इज नाउ, अब इनको वॉश किया जाता है, ड्राई किया जाता है, हीट किया जाता है टू गेट लैक, लैक को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। एट दैट टाइम ऑफ हीटिंग द बैग इज ट्विस्टेड एंड द लैक इज स्क्वीज्ड आउट ऑफ द बैग। इस टाइम पे क्या होता है, जब हीट किया जाता है, हीट करने के बाद बैग को खूब अच्छे से ट्विस्ट करके घुमा के स्क्वीज किया जाता है, जैसे आप कपड़े को क्या करते हैं, स्क्वीज करके उसका पानी निकालते हैं, उसी तरीके से इसको स्क्वीज किया जाता है बैग को, ठीक है। द इम्प्योरिटीज ऑफ लैक आर लेफ्ट आउट इन द बैग आर कॉल्ड कीरी लैक, ठीक है। अब इससे क्या होंगी, उस बैग से इम्प्योरिटी निकल जाती है, केवल लैक बचता है, और उस लैक को क्या कहते हैं, कीरी लैक कहते हैं। द स्क्वीज्ड लैक इज नाउ अलाउड टू कूल, अब स्क्वीज्ड लैक को हम कूल करते हैं, सॉलिडिफाई करते हैं बटन शेप्ड स्ट्रक्चर में, और इसे बटन लैक या प्योर लैक कहा जाता है। अब इस प्योर लैक को क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, हम फैला देते हैं थिन सीट पे, जिसको कि सीट लैक कहा जाता है। इस सीट लैक को देन डिजॉल्व इन वाटर प्रोड्यूस वाइट और ऑरेंज कलर, ठीक है। इनको प्रोड्यूस किया जाता है वाटर के साथ मिक्स किया जाता है, जिससे ये किस कलर के हो जाते हैं, ऑरेंज कलर के या वाइट कलर के हो जाते हैं। जिस लैक को क्या कहा जाता है, सेल लैक, SHEL, सेल लैक बोला जाता है, ठीक है। सेल लैक पे कभी कभी शॉर्ट नोट पूछा जाता है। सेल लैक इज मोस्ट प्योरीफाइड फॉर्म ऑफ लैक, ये लैक का मोस्ट प्योरीफाइड फॉर्म है, ठीक है। अब बात की जाए इनके कंपोजिशन की, यानी कि ये बने कैसे होते हैं, लैक किस किस चीज़ों का बना होता है। तो इनके कंपोजिशन की अगर बात की जाए तो लैक सब्सटेंस जो होते हैं, हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ रेजिन टुगेदर विथ सुगर वाटर एंड अदर अल्कलाइन सब्सटेंस। रेजिन पाया जाता है, सुगर पाया जाता है, और अदर सब्सटेंस, ये सब्सटेंस कुछ परसेंटेज में पाए जाते हैं। जैसे कि रेजिन की बात की जाए तो 68 to 90% पाया जाता है। सुगर और प्रोटीन की बात की जाए या सॉल्युबल साल्ट जो होते हैं, ये 2 to 4% पाए जाते हैं। कलर मैटर जो होते हैं 1 to 2%, वैक्स 6%, मिनरल मैटर 3 to 7%, और वाटर जो होता है 3% पाया जाता है। लैक के प्रॉपर्टी की बात की जाए तो ये कैसा होता है, इनका नेचर कैसा होता है, तो ये कैसा होता है, इज़ नॉट सॉल्युबल इन वाटर। सो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, लेकिन एल्कोहल में अगर आप सॉल्व करेंगे तो ईजिली डिजॉल्व हो जाता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ लैक हैज़ अ ग्रेट वैल्यू फॉर इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक कनेक्शन, जो आपके इलेक्ट्रिक कनेक्शन में इंसुलेशन होती है उसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ये ईजिली फ्यूजेबल होते हैं अगर इनको हीट किया जाए। एडहेसिव क्वालिटी यानी चिपकने की क्वालिटी इनमें पाई जाती है। बाइंडिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है जब एल्कोहल के साथ इनको मिक्स कर दिया जाता है। लैक इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ये हीट का बैड कंडक्टर होता है। आपको पता होगा, आप सबने फिजिक्स में क्लास 6 से पढ़ा होगा, गुड कंडक्टर बैड कंडक्टर, यानी कि गुड कंडक्टर वो होते हैं जिनमें हीट अच्छे से पास हो जाता है, जैसे एल्यूमिनियम वगैरह हो गया, और बैड कंडक्टर वे होते हैं जिनमें हीट अच्छे से पास नहीं होता, ठीक है। अब इनके इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस की बात की जाए कि ये हमारे लिए इकोनॉमिकली कैसे इम्पॉर्टेंट है, तो ठीक है, तो इनका चीफ यूज़ किस में होता है, ग्रामोफोन रिकॉर्डर को बनाने में, ठीक है, ग्रामोफोन रिकॉर्डर को बनाने में।
इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में एज अ इंसुलेटर ये यूज़ किए जाते हैं। ये ज्वेलरीज में जैसे गोल्ड स्मिथ्स वगैरह हो गए, उनको भरने में लाह लाह कहते हैं, आपके कंगन वगैरह जो लोग बनवाते हैं कहते हैं लाह भरा हुआ इसमें, तो ये यही लाख होता है। ठीक है, हु यूज़ लैक एज अ फिलिंग मटेरियल इन द होलो ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स। ठीक है, सोने चांदी के जो मटेरियल होते हैं, ऑर्नामेंट्स होते हैं, उसमें यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, इट इज़ यूटिलाइज इन द फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टॉयज बटन एंड आर्टिफिशियल लेदर। टॉय बटन को बनाने में, आर्टिफिशियल लेदर को बनाने में यूज़ होते हैं। ये यूज़ होते हैं फॉर्मेशन ऑफ वार्निशेस, पॉलिशेस, पेंट्स फॉर डेकोरेटिव एंड प्रोटेक्टिव पर्पजेज। जो आप पॉलिश वगैरह करते हैं उनके पेपर को वार्निश करने के, पॉलिश करने के लिए जो यूज़ होते हैं उनमें भी लाख का यूज़ होता है। ठीक है, सीलिंग वैक्स की तरह इसको यूज़ करते हैं। इसको और यूज़ इसका क्या है, टॉय को बनाने में, ब्रेसलेट बनाने में, सीलिंग वैक्स में, बैंगल्स में, नेल पॉलिश में इसका बाय प्रोडक्ट के रूप में यूज़ किया जाता है। ठीक है, सेल लैक जो है आपका, ये फर्नीचर पॉलिश करने में यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ इसके इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस थे। इस तरीके से मैंने पूरा सेरिकल्चर आपको पढ़ा दिया। अगर इसके नोट्स आप कहेंगे तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगी, लेकिन उसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि मैम इसके नोट्स दे दीजिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।